मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 19.48 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मामला सामने आने के बाद पुलिस लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार समेत 5 लोगों पर FIR भी दर्ज की है। वहीं अब इस मामले को लेकर ABVP के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। ABVP के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने जा पहुंचे। यहां ABVP ने धरना आंदोलन किया। इतना ही नहीं, ABVP के कार्यकर्ताओं ने भोपाल पुलिस कमिश्नर पर भी गंभीर आरोप लगाए। ABVP के प्रांतीय मंत्री संदीप वैष्णव ने कहा कि आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस कमिश्नर की कोई मिलीभगत है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद दोषियों पर FIR हुई, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार नहीं होने के कारण प्रश्न चिन्ह शासन प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। हमको ध्यान में है कि जब ये भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, एक माह बीतने के बाद भी दोषियों को जेल के अंदर नहीं डाला गया है। कहीं ना कहीं ये कई प्रश्न जन्म दे रहा है। किसके दबाव में पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्या पुलिस कमिश्नर भोपाल द्वारा कोई उनके साथ लेन देन कर दिया है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण उनको मिल चुका है जिसके कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? ये पुलिस कमिश्नर भोपाल की नाकामी को दर्शाता है, ये उसकी अक्रमणीयता को दर्शाता है। अगर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। उसको लेकर आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी और तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी को ज्ञापन दिया है और इस पर जल्द कार्रवाई की मांग करी है। अगर फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी तथा चुनाव आयोग में भोपाल कमिश्नर को हटाने की मांग भी करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।